हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये पार्टी मेकअप लुक। इस पार्टी मेकअप लुक को आप कर सकते हो किसी भी पार्टी में, फंक्शन में, किसी वेडिंग फंक्शन वगैरह में भी आप कर सकते हो, और किसी भी पिंक ड्रेस के साथ भी आप इसे कर सकते हो। बहुत ईजी है इस मेकअप लुक को करना, और बहुत ही अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट किया है। वैसे आप इसे पिंक ग्लोसी मेकअप लुक भी कह सकते हो। आज मैंने ग्लिटरी आई मेकअप लुक किया है, तो आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे किया है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं मैंने ये मेकअप लुक कैसे किया है। और सभी मेकअप प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एज यूजुअल, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए, मैं अपने फेस को वॉश कर चुकी हूँ, और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ सबसे पहले मॉइस सॉफ्ट का मॉइस्चराइजर। मुझे मॉइस्चराइजर गाइस बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मेरी स्किन टोन के हिसाब से भी ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मैं इसे हमेशा यूज़ करती हूँ। वैसे इसके अलावा मैं निविया का लाइट मॉइस्चराइजर भी यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। जब से मैं इसे यूज़ करने लगी हूँ तब से मैं उसे बहुत कम यूज़ करती हूँ। वैसे मैं लगा लेती हूँ उसे कभी कभी। वैसे आप भी इस मॉइस्चराइजर को लगा सकते हैं, या फिर अगर कोई और लगाना चाहते हैं तो आप कोई और भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। लिया है मैं यहाँ पर हुडा ब्यूटी का फेस प्राइमर लगा रही हूँ। और आज की इस मेकअप लुक की खास बात यह है कि मैं आज इस मेकअप लुक को करने जा रही हूँ पॉन्ड्स बीबी क्रीम की हेल्प से। आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हो, लैक्मे सीसी क्रीम या फिर कोई भी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस क्रीम को आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप फाउंडेशन भी लगा सकते हो। अब मैं यहाँ पर इसे एक ओवल ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इस ओवल ब्रश का रिव्यू भी गाइज मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को। बहुत अच्छा मेकअप ब्रश है ये भी। और विंटर्स में आपको बहुत ज़्यादा लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे ही मैं यहाँ पर लैक्मे लूज़ पाउडर ही लगाऊंगी, थोड़ा सा इसे सेट कर रही हूँ बस, बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि विंटर्स है और विंटर्स में आपको ज़्यादा कॉम्पैक्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। बस हाँ, मैं इसी क्रीम को सेट करने के लिए थोड़ा सा लगा लूँगी। अब मैं यहाँ पर अपनी आईब्रोज़ को सेट करूँगी पहले, उसके बाद मैं अपनी आईब्रोज़ के गैप्स को फिल कर लूँगी इस ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल की हेल्प से। और गाइस, कोई भी 5 या 10 रुपीज़ की अगर आईब्रो पेंसिल आपके पास है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि सेम प्रोडक्ट सभी के पास अवेलेबल हो। जो भी आपके पास आईब्रो पेंसिल हो उसकी हेल्प से आप अपनी आईब्रोज को फिल कर लीजिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ हिलेरी रहूडा का आई शेडो पैलेट, और इसकी हेल्प से मैं ये पिंक कलर का शेड लूँगी जो कि मेरी ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से मैच जा रहा है। मैं इसे इस तरीके से लगा लूँगी। आपके आई शेडो में जो भी पिंक कलर हो वो आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। मैं इसे क्रीज लाइन पर प्लेस करते हुए और आउटर वी पर लगाते हुए इस तरीके से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, जैसा कि आप देख रहे हो। जो आईलिड का स्पेस मैंने खाली छोड़ा है वहाँ पर मैं अभी ग्लिटर अप्लाई करूँगी। उससे पहले मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कंसीलर एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से, और जिस एरिया में मैंने आई शेडो अप्लाई नहीं किया था बस वहीं पर मैं इसे अप्लाई करूँगी, ताकि मेरे जो ग्लिटर्स हैं वो अच्छे से स्टिक हो जाए। तो मैं यहाँ पर वोजवा के ग्लिटर्स ले रही हूँ, और मैं ये सिल्वर कलर के ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, और इसे मैं पेंसिल ब्रश की हेल्प से इस तरीके से लगा लूँगी। एक्स्ट्रा मैं जो भी है उसे रिमूव कर दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लैक्मे आईलाइनर, और आपके पास जो भी 100 रुपीज़ के प्राइस में आईलाइनर हो वो आप लगा सकते हो। वैसे आपको ये भी लोकल स्टोर में ईजिली मिल जाएगा, नॉर्मल स्टोर में आपको मिल जाएगा 100 रुपीज़ या 120 रुपीज़ के प्राइस में आपको मिल जाएगा ईजिली। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ब्लू हेवन की काजल, 125 रुपीज़ में मुझे मिल गई थी। वैसे आज के इस मेकअप लुक की बात यही खास थी कि मैंने जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो अंडर 100 रुपीज़ के बीच में ही मैंने यूज़ किए हैं, कि 100 रुपये में आपको जो भी लोकल स्टोर में मिल सके और ऑनलाइन भी मिल सके, क्योंकि ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छे अच्छे डिस्काउंट चलते रहते हैं। अब मैं यहाँ पर अपने कॉन्टोरिंग कर रही हूँ फेस को, और गाइज मेरे पास कोई भी 100 रुपीज़ में कॉन्टोर स्टिक नहीं थी, लेकिन मैंने ये
लिपस्टिक ली थी, ये लिपस्टिक 30 रुपीज़ के प्राइस में मुझे मिली थी, चॉकलेट कलर है ये, और इसकी हेल्प से मैंने अपने फेस को कंटोर किया है। बहुत अच्छी लिपस्टिक है गाइस, कंटोरिंग के लिए बहुत ही अच्छी है, ईजिली ब्लेंड हो जाती है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्लश के लिए, ये ग्लॉसी लिपस्टिक है, ये भी मैंने लोकल स्टोर से ही ली थी और ये मुझे 70 रुपीज़ के प्राइस में मिल गई थी। तो इसकी हेल्प से मैं ब्लश अप्लाई कर लूँगी अपना। और हाइलाइटर के लिए पहले मैंने ये मैक का हाइलाइटर जो 30 रुपीज़ के प्राइस में मैंने लिया था, मुझे पता है 30 रुपीज़ के प्राइस में मैक का कोई भी हाइलाइटर नहीं आता है, और इसकी पिगमेंटेशन ये देखिए कुछ भी पिगमेंटेशन नहीं है, बिल्कुल बकवास है। बस इसे आप बेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने अपने उस हाइलाइटर को तो रिमूव कर दिया था, नेक्स्ट मैं स्विस ब्यूटी के ब्लश पैलेट से ही हाइलाइटर लगा रही हूँ, क्योंकि 100 रुपये के प्राइस में गाइस मेरे पास कोई भी हाइलाइटर नहीं था, और कोशिश की है कि 100 रुपये के बीच में ही मतलब मैं मेकअप प्रोडक्ट्स जो भी है यूज़ करूँ, कि ताकि आपको नॉर्मल स्टोर में भी ईजिली मिल जाए। अब मैं यहाँ पर ये ली की लिप पेंसिल ले रही हूँ। उसके बाद मैं लिप पेंसिल की हेल्प से अपने लिप्स को फिल कर लूँगी। उसके बाद मैं यही लिपस्टिक लगा रही हूँ जो कि मैंने ब्लश के लिए अप्लाई की थी। ये काफ़ी ग्लॉसी लिपस्टिक है और विंटर्स में काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकती है, काफ़ी देर तक आपके लिप्स को भी मॉइस्चराइज रखेगी। और मैंने ऑफ कैमरा अपनी फेक लैशेस लगा ली थी। सो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ गाइज मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे स्किन केयर, हेयर केयर, DIY, फेशियल, फेशियल प्रोडक्ट्स रिव्यू और DIY फेशियल्स बहुत सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं। हेयर वॉश एंड डंक वीडियो भी शेयर की है, हैवी ऑयल मसाज शेयर की है गाइस, बहुत सारी वीडियोस मैंने शेयर की हुई हैं। तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और हाँ, आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर।